हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लेकर के आ गए हैं फिर से सामान्य अध्ययन और आपके करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। जी हाँ, ये टेस्ट नंबर होगा आपका 41 नंबर। जी हाँ, इसके पहले हम लोग 40 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, पूरे डिटेल से हम लोग कंप्लीट किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, वहां से एग्जाम में आपको छपने वाला है सवाल, ठीक है। और आज का जो टेस्ट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है दोस्तों। बस आपको यहां पर 1 से 1.25 घंटे आपको चिपक के बैठना है, पूरे शिद्दत से आपको सुनना है। यहां से देखिएगा, आपको बहुत सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। बस इसको अच्छे तरीके से आप सुनते चलिए और देखते चलिए, मजा आ जाएगा लास्ट में आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगभग अभी 250 से 300 सवाल अभी आपको बताने वाले हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है वहाँ से सवाल, ठीक है। और ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, 1 से लेकर के 12 क्लास तक। लेकिन 1 to 5 के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 to 5 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं को ध्यान में रख करके बनाया गया। ऐसे सामान्य अध्ययन के सवाल आपको सबको पूछे जाएंगे, तो सभी के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। आपका डेली आपकी 3 बजे से क्लास चलती है, तो 3 बजे आपको हाजिर हो जाना है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए बिहार शिक्षक बहाली की, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है, अभी इसमें जुड़ने का मात्र 499 चार्ज है, तो जल्दी से आपको इसमें जुड़ जाना है। कैसे जुड़ना है मैं आपको बता दूं, ये टेस्ट नंबर है आपका 41, महत्वपूर्ण 50 सवाल और इससे संबंधित दोस्तों लगभग मैं 200 से 300 सवाल बताने वाला हूँ आज। बहुत ज़बरदस्त क्लास होगा, बस आपको पूरा देखना है, शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा, आपको काफ़ी मजा आएगा। तो ये नंबर है दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7857824310, और यही नंबर हमारा गूगल पे फोन पे पेटीएम नंबर है। 499 अभी आपका चार्ज है, पीडीएफ नोट्स सारा आपको उपलब्ध हो जाएगा। पीछे जितनी क्लासेज हो गई है एनसीईआरटी सीरीज वाला चाहे ये टेस्ट वाला, सारा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों मात्र 499 में, ठीक है। जो लोग भी इस नंबर पे पे करेंगे तो स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर आपको भेज देना है व्हाट्सएप पर, ये हमारा व्हाट्सएप है, वहाँ आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और सारे मटेरियल आपको प्रीवियस वाले प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जी, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, आपको शुरू करते हैं आज की क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। आज का पहला सवाल देखिएगा, जवाब दीजिए, पहला का जवाब क्या होगा कि बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है, है ना। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है, और झारखंड राज्य बनने से पहले, है ना, झारखंड राज्य जब बना था उसके पहले दोस्तों बिहार में वनाच्छादित प्रतिशत कितना था, तो आंसर क्या होगा, 17%, 23%, 27% और 33%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं पहले आपको बता दूं, आंसर नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी कि 17%, है ना। झारखंड बना कब था दोस्तों, तो 15 नवंबर 2000 को आपको पता होना चाहिए, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया था आपका, ठीक है जी, है ना। वर्तमान में बिहार में कितने, अगर झारखंड बट गया, है ना, झारखंड बटा आपका 2000 में, तो वर्तमान में दोस्तों बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पे आपका वन है, तो आपको याद रखना है वर्तमान में दोस्तों बिहार में जो वन है वो 7.74% पर क्षेत्रफल पे आपका वन है वर्तमान में आपके बिहार में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में किस प्रकार के वन है दोस्तों, तो मानसूनी वन है, याद रखना है आपको, ठीक है जी। भारत में मानसूनी वन हो गया आपको अभी बताना है। और अगला सवाल है कि भारत में अभी वर्तमान में दोस्तों कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है, भारत में मैं बात कर रहा हूँ भारत की, तो भारत में अभी वर्तमान में दोस्तों कितने प्रतिशत पर वन है, तो 24.56%, ये डाटा आपको याद रखना है करेंट वाला, ठीक है। 24.56% अभी वर्तमान में भारत के क्षेत्रफल पर प्रतिशत में वन है दोस्तों, ठीक है। सबसे ज़्यादा वन भारत में कहाँ है, तो वो आपका मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल में अगर पूछे तो मध्य प्रदेश, अगर प्रतिशत में पूछ ले तो हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में दोस्तों प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन है, ये आपको ध्यान रखना है, मिजोरम में 86% लगभग मिजोरम में आपका वन है दोस्तों आपका, ठीक है जी,
है ना, तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश है और आपका प्रतिशत में आपका मिजोरम हो जाएगा। और भारत में कितने प्रतिशत पर वन है, 24.56, और कितने प्रतिशत पर वन होना चाहिए दोस्तों पर्यावरण संतुलन रहने के लिए, तो 33% पर वन होना चाहिए। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% पर अगर वन है तो हमारा पर्यावरण संतुलन माना जाएगा, अगर नहीं है तो इससे को असंतुलन माना जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपको इतने सारे चीज आपको यहां से पता हो गया, आप इसको दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि मॉनसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आपको छापना है। ठीक है, तो मॉनसून के पहले जो बारिश होती है, जैसे कि मॉनसून के पहले अप्रैल मई में आप देखते होंगे बिहार में भी कभी कभी शाम के समय वर्षा होती है, बंगाल में वर्षा होती है, असम में वर्षा होती है, तो ये चक्रवातीय वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से चक्रवात उठता है दोस्तों, है ना, ये है बंगाल की खाड़ी, यहाँ से चक्रवात उठा और ये बंगाल है, असम है, उड़ीसा है, बगल में बिहार है, झारखंड है, यहाँ पर आपको जबरदस्त शाम में बारिश होता है, तो इसको कहते हैं काल वैशाखी। क्या कहते हैं इसको, बिहार, इसको पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन यही वर्षा हो रहा है कहां, केरल और कर्नाटक में। जब केरल और कर्नाटक में ये वर्षा होगी तो वहां पर दोस्तों आम है ना, वहां पर आम के जो फल है उसमें ज्यादा फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है, इसलिए इसको कहा जाता है आम्र वर्षा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं। मॉनसून जो शब्द है, हाँ ना, मॉनसून जो आपका शब्द है ये किस सब मतलब किस भाषा से लिया गया दोस्तों, तो अरबी भाषा से। ठीक है, मॉनसून शब्द जो है ये अरबी भाषा से लिया गया है, आपको पता होगा, है ना, है ना जी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चले। अगला प्रश्न है कि अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है, बताइए। अजमेर जो है, अजमेर कहाँ है, तो राजस्थान में है ना, अजमेर कहाँ है, तो ये राजस्थान में है, और ये किस सूफी संत से संबंधित जगह है अजमेर, आपको ये बताना है, बताइए। तो अजमेर जो है दोस्तों ये है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, एक बात, अभी पिछले जो क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि केरल कर्नाटक में इसको कहते हैं आम्र वर्षा, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, है ना, केरल में तो इसको आम्र वर्षा कहते हैं, कर्नाटक में इसको दोस्तों एक और नाम बोला जाता है, चेरी ब्लॉसम। कर्नाटक में इसको दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है, चेरी ब्लॉसम। ठीक है, चेरी ब्लॉसम भी, चेरी ब्लॉसम भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कॉफ़ी की वर्षा, इसको कॉफ़ी की वर्षा ही इसको बोला जाता है, क्योंकि कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, और कॉफ़ी के जो उत्पादन में ये काफ़ी लाभ पहुँचाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कॉफ़ी वर्षा भी कर्नाटक में। ठीक है, है ना, और केरल में इसको आम्र वर्षा कहते हैं, कभी कभी कर्नाटक में भी इसको आम्र वर्षा कह दिया जाता है ऐसे, लेकिन मेन रूप से आपका आम्र वर्षा केरल में कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा, अजमेर में आपका सूफी संत संबंधित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपका। ठीक है, और चिश्ती सिलसिले के संस्थापक भी यही थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी दोस्तों, है ना, यही चिश्ती सिलसिले से संस्थापक भी है आपका। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है आपका 4। प्रश्न कह रहा है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन कहाँ स्थित है, बताइए। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय, है ना, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कह रहा है विमान पतन जो है ये है आपका हैदराबाद, है ना। हैदराबाद दोस्तों किस नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे है आपका हैदराबाद, आपको पता होगा। ठीक है, हैदराबाद जो है ये आपका तेलंगाना की राजधानी है वर्तमान में, हैदराबाद। ठीक है जी, याद रखिएगा। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका हैदराबाद जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो विमान पतन हैदराबाद में है, ये भारत में पूर्णतः, याद रखिएगा, भारत में पूर्णतः निजी क्षेत्र का, भारत में पूर्णतः निजी क्षेत्र का संचालित प्रथम हवाई अड्डा है, याद रखिएगा दोस्तों, भारत में पूर्णतः निजी क्षेत्र का है ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरा तरीके से क्या है, तो आपका निजी क्षेत्र का है, है ना, ये करेंट अफेयर के रूप में आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए
एक बताइएगा कि शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, बताइए तो शहीद भगत सिंह है ना, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये पड़ जाएगा आपको चंडीगढ़ में, ठीक है। ये है कहाँ दोस्तों, तो चंडीगढ़ में है आपका भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो दिल्ली में, आपको पता होगा है ना, इंदिरा गांधी दिल्ली में है आपका, ठीक है जी। चलिए, वायु परिवहन की शुरुआत कब होती है, जब यहाँ पर वायु विमान पतन की बात आ गई तो आप बताइए हमको कि वायु परिवहन की शुरुआत होती है आपको 1911 ईस्वी में, है ना। वायु परिवहन यानी कि इसकी शुरुआत होती है 1911 में, कहाँ होती है दोस्तों, तो भारत में ही इसकी शुरुआत होती है। और भारत में कहाँ होती है, तो इलाहाबाद से नैनी के बीच में होती है, ठीक है। इलाहाबाद से नैनी के बीच में सबसे पहले विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि सबसे पहले दुनिया में दोस्तों डाक सेवा का ही शुरुआत किया गया था वायु परिवहन के अंतर्गत, कब, तो 1911 ईस्वी में आपका। और शहीद भगत सिंह वाला कहाँ है, तो चंडीगढ़ में, याद रखिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, और ये राजीव गांधी वाला दोस्तों निजी क्षेत्र का है आपका, है ना, ये भारत का पूर्णतः निजी वाला है आपका पहला। अगला है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, और यहां से बहुत सारे चीज आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश का जो गठन होता है सबसे पहले भाषा के आधार पर किया जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना। अब देखिए, आंध्र प्रदेश का जो गठन होता है, देखिए दोस्तों ये कब होता है, तो अक्टूबर 1953 में होता है। कब होता है, अक्टूबर 1953 में इसका गठन होता है आंध्र प्रदेश का आपका, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, आंध्र प्रदेश का गठन करने के लिए भाषा के आधार पर, है ना, भाषा के आधार पर गठन करने के लिए बहुत लंबे दिनों तक दोस्तों यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे थे, 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे थे। और उनका नाम क्या था, तो श्री रामुल्लू, है ना, श्री रामुल्लू दोस्तों 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे थे, और इसके वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। किस लिए बैठे थे दोस्तों, तो ये मतलब कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्य का गठन करने के लिए ये बैठे थे आपका, ठीक है। सबसे पहले गठन होता है आंध्र प्रदेश का, उसके बाद किसका गठन होता है, तो उसके बाद गठन होता है दोस्तों आपका बंबई का, है ना, बंबई और आपका गुजरात, है ना, बंबई से ही दोस्तों गुजरात अलग होता है, ठीक है। बंबई से ही आपका गुजरात अलग होता है, गुजरात भाषा, गुजराती भाषा लेकर के, ठीक है। कब अलग होता है बंबई से गुजरात, तो 1960 ईस्वी में, है ना, 1960 यानी कि 1 मई 1960 को दोस्तों आपका महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन होता है भाषा के आधार पर, गुजरात का गुजराती भाषा और महाराष्ट्र का मराठी भाषा के आधार पर होता है दोस्तों। और उसके बाद होता है आपका पंजाब का गठन, ठीक है। पंजाब से हरियाणा को पृथक किया जाता है आपका 1966 ईस्वी में, है ना, पंजाब यानी कि पंजाबी भाषा के लिए 1966 को आपका इसका गठन होता है दोस्तों, दोनों अलग हो जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलते हैं, अगला सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है। अब देखिए, भू आवेष्टित देश का मतलब क्या होता है, भू आवेष्टित देश का मतलब कि वैसा देश जिसके चारों ओर क्या हो दोस्तों, मतलब कि मतलब स्थल ही स्थल हो, मतलब कि जल नहीं हो, है ना, उसको समुद्र प्राप्त नहीं हो, उसको कहेंगे भू आवेष्टित देश। तो भू आवेष्टित देश नहीं कह रहा था, है ना, तो भूटान तो भू आवेष्टित देश है, भूटान के चारों ओर क्या है, स्थल ही स्थल है, कहीं इसको जल प्राप्त नहीं है, है ना। और देखिए, बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर, है ना, सिक्स का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका, है ना, सिक्स का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश को अगर आप देखिएगा, तो बांग्लादेश को अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो दक्षिण में इसको क्या है, बंगाल की खाड़ी है, तो ये भू आवेष्टित देश नहीं हुआ, है कि नहीं, क्योंकि बांग्लादेश को जल प्राप्त है, सागर प्राप्त है, खाड़ी प्राप्त है, है ना, तो ये भू आवेष्टित देश नहीं हुआ। भूटान हो गया, लिचेंस्टीन हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ये सारे है भू आवेष्टित देश, जो चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए देश है आपका, ठीक है। चलिए, तो ये आंसर हो गया आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो बांग्लादेश को कहते हैं नदियों का देश, है ना, याद रखिएगा, बांग्लादेश को कहते हैं दोस्तों नदियों का देश, जी हाँ, बांग्लादेश को क्या कहते हैं, नदियों का देश कहा जाता है दोस्तों बांग्लादेश को, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में भू आवेष्टित देश कौन सा है, तो कजाखस्तान, जी हाँ, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में भू आवेष्टित देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपको कजाखस्तान, हो जाएगा सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश क्षेत्रफल में, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए, ये क्षेत्रफल में है कजाखस्तान, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या में, है ना, सर्वाधिक जनसंख्या में दोस्तों सबसे बड़ा देश, स्थल रुद्ध देश कौन सा है, तो इथियोपिया हो जाएगा, ठीक है। इथियोपिया जो है ये जनसंख्या में सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है, और कजाखिस्तान जो है दोस्तों ये आपका है क्षेत्रफल में, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर,
है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे भाइयों एक लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को आपको बुला लेना है, है ना। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर है आपका सात नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई समूह में शामिल नहीं है। डेली आपकी क्लास होती है 3 PM से, है ना, 3 बजे से डेली होती है और रात में 9 PM से होती है डेली क्लास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, अगर आप मेरा क्लास कर लेते हैं दोस्तों तो मान लीजिए कि रिजल्ट आपका 100% हो जाएगा। कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई समूह में शामिल नहीं है, तो नहीं वाला सवाल को ध्यान रखिएगा। देखिए स्कैंडिनेवियाई देश किसको कहते हैं, है ना, तो इसके अंतर्गत दोस्तों आता है आपका 4 देश, है ना। स्कैंडिनेवियाई समूह में आता है कितने देश, तो 4 देश आते हैं। वो देश कौन कौन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। नॉर्वे है, स्वीडन है, आइसलैंड है और डेनमार्क है, ठीक है। नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया इसमें, है ना, डेनमार्क भी इसमें, अब दोस्तों आपका है आइसलैंड भी है, स्पेन इसमें शामिल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर आपका स्पेन हो जाएगा। स्पेन के जगह पे आप नॉर्वे को कर दीजिए, है ना। इसमें नॉर्वे शामिल है, स्वीडन है, डेनमार्क है और आइसलैंड है आपका, ठीक है। ये सारे यूरोपीय कंट्री है आपका, स्कैंडिनेवियाई देश इसको कहा जाता है, ठीक है जी, याद रखना है, है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर है 8 की भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में आपका स्थित नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और यहां से संबंधित बहुत सारे सवाल मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज की अगर बात करें तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर भारत का मानचित्र बनाता हूँ, तब तक आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से, है ना, इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए ये रहा आपका भारत का मानचित्र, कैसा बना, अच्छा बना कि नहीं बना, हाँ अच्छा बना तो एक लाइक कर दीजिएगा। देखिए भारत का जो ये स्वर्णिम चतुर्भुज आपसे पूछा जा रहा है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 शहरों को जोड़ता है, 4 महानगर को जोड़ता है दोस्तों, और उसमें शामिल है दिल्ली, है ना, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और आपका कोलकाता है। तो ये देख रहे हैं चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, है ना, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से आपका चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, ठीक है। तो ये 4 जो आपको कोना बन रहा है, ये 4 महानगर को जोड़ता है दोस्तों आपका स्वर्णिम चतुर्भुज नेटवर्क आपका। तो ये कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, नई दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ दोस्तों इसमें नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी लंबाई कितनी है भाई साहब, तो क्या जवाब होगा आपका, है ना, इसकी लंबाई कितनी है, तो 5,846 किलोमीटर, है ना, 5,846 किलोमीटर दोस्तों आपकी इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है, है ना जी। चलिए और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा 4 मेगा सिटी को जोड़ने की योजना थी, है ना, और इसको जोड़ा गया है, ये पूरा कब हुआ था, तो 2012 ईस्वी में ये आपका काम पूरा हुआ आपका, ठीक है। चलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर दक्षिण जो गलियारा है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिटाने का कार्य अगर करता हूँ, तो बताइए कि उत्तर दक्षिण जो आपका गलियारा है ना, उत्तर से लेकर दक्षिण तक दोस्तों गलियारा जो है ना, मैं पेन चेंज कर दूँ, उत्तर से दक्षिण जो गलियारा है और पूरब से पश्चिम जो गलियारा है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है आपको, है ना। तो उत्तर दक्षिण जो गलियारा है किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर, नॉर्थ में है श्रीनगर और साउथ में है कन्याकुमारी, नोट कर लीजिएगा। श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तमिलनाडु में, ये हो गया उत्तर दक्षिण गलियारा और ये हो गया पूरब ये पश्चिम गलियारा। तो पूरब पश्चिम किसको जोड़ता है दोस्तों, तो पूरब पश्चिम जो है ये सिलचर को, है ना, यहां पर दोस्तों आपका सिलचर है, यहां पर सिलचर है और यहां पर है दोस्तों आपको पोरबंदर। तो सिलचर से पोरबंदर आपको पूरब पश्चिम हो गया और उत्तर दक्षिण हो गया आपका श्रीनगर से आपका कन्याकुमारी तक। तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 9 नंबर। बस आपको कुछ करना नहीं है, जो नोट करना है नोट कर लीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा वहां से, आप इसको याद कर लीजिएगा। पीडीएफ लेने के लिए ऊपर जो नंबर दिया गया है इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों व्हाट्सएप पर। चलिए 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा आपका, ठीक है। 9 नंबर है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय जब भारत आजाद हुआ था 1947 ईस्वी में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे।
देखिए, जब आजाद होता है दोस्तों, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। कई बार सवाल ये छपा है एग्जाम में आपका, ठीक है। जेवी कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब इसका हम करते हैं थोड़ा बहुत ऑपरेशन, ठीक है। जेवी कृपलानी जो थे दोस्तों, ये मेरठ कांग्रेस अधिवेशन में आपका 1946 ईस्वी में अध्यक्ष ये बने थे आपका, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो छाप करके बताइए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो बहुत ऐठल आदमी थे, है ना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इतने ऐठल थे कि वो हमें आज़ाद ही नहीं कर रहे थे। तो याद रखिएगा, क्लीमेंट एटली ऐठल आदमी, है ना। क्लीमेंट एटली थे दोस्तों, और ये किस पार्टी से थे, तो लेबर थे आपका, है ना। लेबर थे आपका दोस्तों, याद रखिएगा, लेबर पार्टी, ठीक है। ये लेबर पार्टी से थे आपका क्लीमेंट एटली, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे आज़ादी के समय आपका। अगर पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री तो आपको लेबर पार्टी से थे, ये लेबर थे। अगर पूछे दोस्तों कि राजा कौन था उस समय, है ना, ब्रिटेन का राजा कौन था उस समय, तो जॉर्ज सिक्स, है ना, जॉर्ज सिक्स था उस समय राजा दोस्तों। जॉर्ज छठा था उस समय राजा आपका, ध्यान रखिएगा आपका। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आज़ादी के समय यानी कि 1947 में भारत के वायसराय कौन थे, तो भारत के वायसराय कौन थे, नोट करिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों आपका उस समय वायसराय, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे, तो गांधी जी थे दोस्तों बंगाल में, है ना। आज़ादी के समय गांधी जी कहाँ थे, तो गांधी जी जो थे वो बंगाल में थे गांधी जी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 10 नंबर प्रश्न है कि सरोजनी नायडू, जबरदस्त सवाल है, बहुत सारा सवाल यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा भी। सरोजनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल सरोजनी नायडू से। देखिए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब इन्होंने जो जीता दोस्तों, ये महात्मा गांधी इनको दिए थे, है ना। किसने दिया था, तो महात्मा गांधी का ही ये सब काम था, देते रहते थे, हम लोग को याद करना पड़ता है कि नहीं। तो ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको कहे थे सरोजनी नायडू ने, महात्मा गांधी ने दोस्तों सरोजनी नायडू को आपका, ठीक है। सरोजनी नायडू से देखिए महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि भारत की प्रथम महिला, है ना, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल ये थी दोस्तों कहाँ की, तो उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल दोस्तों ये थी, है ना, प्रथम महिला राज्यपाल थी आपकी, आपको पता होगा ये उत्तर प्रदेश से थी प्रथम महिला राज्यपाल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस के प्रथम, है ना, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू ही, प्रथम भारतीय महिला, जो 1925 ईस्वी में दोस्तों कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और कहाँ पर की थी, तो कानपुर में की थी, ठीक है, कानपुर में की थी। प्रथम दोस्तों आपका भारतीय महिला थी, है ना। अगर प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट होता, लेकिन अगर भारतीय लगा देगा तो सरोजनी नायडू हो जाएगा, ध्यान रखना है बचवा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें, अगला सवाल चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर है आपका 11 नंबर। प्रश्न है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त, बहुत सारे सवाल यहाँ पर बनता है लोकपाल से और लोकायुक्त से, तो इसका सुझाव जो देने वाले थे दोस्तों, वो प्रशासनिक सुधार आयोग थे। आंसर मैं पहले बता दूं कि आंसर इसका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों बी नंबर आपका, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त स्थापना का जो सुझाव दिए थे, ये प्रशासनिक सुधार आयोग दिए थे, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि इसका गठन कब हुआ था, तो लोकपाल लोकायुक्त का जो गठन होता है वो 1966 ईस्वी में इसका गठन होता है, और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे आपके, ठीक है। चलिए अगर आपसे पूछ लिया है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है, तो आप तो अटक जाइएगा, तो बता दीजिए कि वर्तमान में कौन है, तो प्रदीप कुमार महंती, है ना। तो कुछ करेंट भी आप यहां से नोट कर लीजिए, वर्तमान में जो लोकपाल है भारत के, प्रदीप कुमार मोहंती, याद रखना है आपको, ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गए भारत के प्रथम लोकपाल, ठीक है।
प्रथम नहीं वर्तमान में, सॉरी प्रथम नहीं वर्तमान में, अगर आप पूछ लिया जाए कि प्रथम लोकपाल कौन थे तो प्रथम भी बता दीजिए, प्रथम थे आपके पिनाकी चंद्र घोष। प्रथम कौन थे तो प्रथम थे पिनाकी चंद्र घोष थे दोस्तों आपके प्रथम लोकपाल। ठीक है, चलिए और कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था, है ना, त्रिस्तरीय बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं ऐसा ऐसा ऑप्शन सेट किया हूँ ना कि यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज मैं अलग से बताने वाला हूँ। इसी प्रकार से हम ऑप्शन सेट करते हैं ताकि आपको और भी चीज यहाँ पर क्लियर हो जाए। देखिए त्रिस्तरीय भारत में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय मतलब तीन स्तरीय, है ना, त्रिस्तरीय का मतलब तीन स्तरीय, और तीन स्तरीय किसने दिया था दोस्तों, तो देने वाले थे बलवंत राय मेहता आपके। ठीक है, बलवंत राय मेहता ये दिए थे आपको त्रिस्तरीय आपको पंचायती राज व्यवस्था आपका। ठीक है जी, चलिए और देखिए बलवंत राय मेहता जो दिए थे दोस्तों ये कब दिए थे, तो ये था आपका 1957 ईस्वी में, है ना, 1957 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अशोक मेहता समिति। अगर आपसे पूछा जाए कि द्वि स्तरीय पद्धति किसने का सुझाव था, तो द्वि स्तरीय पद्धति जो सुझाव था वो था अशोक मेहता समिति, है ना, द्वि स्तरीय पद्धति का सुझाव था। और ये कब दिए थे ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 1977 ईस्वी में ये सुझाव दिए थे कि भारत में द्वि स्तरीय पंचायती राज होनी चाहिए। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। हम चलते हैं अगला सवाल, अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, कह रहा है कि ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को अब सामान्य रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया। देखिए भागवत धर्म और आपका है वैष्णव धर्म, ये क्या है आखिर, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। देखिए जब श्री कृष्ण, है ना, जब श्री कृष्ण को विष्णु अवतार माना जाने लगा कि श्री कृष्ण का ही अवतार है विष्णु, ठीक है, श्री कृष्ण जी का ही अवतार कौन है, विष्णु जी हैं, तब दोस्तों भागवत धर्म का नाम बदल करके वैष्णव धर्म कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर क्या होगा ये आपको बताना है कि ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को अब सामान्य रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया कौन से काल में, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में हो जाएगा आपका राइट आंसर दोस्तों आपका। ठीक है जी, है ना, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, तो श्री कृष्ण है, याद रखिएगा भागवत धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण। और जब श्री कृष्ण को ही विष्णु का अवतार माने जाने लगा तो भगवान तो भागवत धर्म का नाम बदल के वैष्णव धर्म कर दिया गया। ठीक है, अब एक सवाल पूछा जाता है दोस्तों गुप्त वंश से कि गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या है, बताइए, तो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह आपको बताना है, तो इसका राजकीय चिन्ह है गरुड़ स्तंभ। क्या है आपका गरुड़ स्तंभ जो है दोस्तों, ये इसका राजकीय चिन्ह है आपका गुप्त काल का। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है 14 नंबर, प्रश्न है कि वेन शांग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया था। वेन शांग दोस्तों एक चीनी यात्री था और भारत आया था यहाँ पर देखने के लिए, है ना, और ये एक बौद्ध भिक्षु था इसको कह सकते हैं, ठीक ना, और ये चाइनीज था आपका। ठीक है, तो ये किसका दौरा नहीं किया था ये आपको पूछ रहा है, कौन से राज्य का दौरा ये नहीं किया था आपका। वेन शांग जो था दोस्तों ये महेंद्र वर्मन प्रथम, है ना, महेंद्र वर्मन प्रथम कहाँ गए जी, ऑप्शन नंबर सी, तो महेंद्र वर्मन प्रथम के राज्य में नहीं गया था, आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान। देखिए राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान है ये तो आपको बिना ऑप्शन के भी आप बता दीजिएगा, है ना, बिना ऑप्शन के कौन कौन बताएगा, तो बिना ऑप्शन के हो जाता है इसका आंसर नंबर गोवा, है ना, गोवा वाले बीच पर। ठीक है, गोवा वाले बीच पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है जी, गोवा वाले बीच पर, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। अब आपको बताइए दोस्तों, है ना, देखिए समुद्र में जो दूरी मापा जाता है ना, जब गोवा की बात आई तो समुद्र का ध्यान आता है, दिमाग में आता है क्योंकि गोवा समुद्र के किनारे है, है ना, तो ये है आपका समुद्र, है ना, ये है समुद्र, अरब सागर है आपका। अब देखिए समुद्र में जो दूरी मापा जाता है ये किस चीज में मापा जाता है, तो नॉटिकल माइल में मापा जाता है। किस चीज में मापा जाता है, नॉटिकल माइल में मापा जाता है समुद्र में दूरी।
एक नॉटिकल माइल बराबर क्या होता है दोस्तों, बताइएगा। एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। जी हाँ, एक नॉटिकल माइल बराबर क्या होता है 1.852 किलोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अच्छा, एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर का, करेंट अफेयर की, भारत का पहला, है ना, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, बताइए। भारत का पहला, है ना, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय, दोस्तों कमेंट करिए जल्दी से, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय करेंट अफेयर है, है ना, संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा लोथल। और लोथल कहाँ है, तो लोथल है आपके गुजरात में दोस्तों, कहाँ है, लोथल है गुजरात में। और ये क्या है दोस्तों, तो ये है एक आपका बंदरगाह है, है ना, एक बंदरगाह है, है ना, और ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है आपका लोथल। और यहाँ पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका, ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय नौसेना समुद्री संग्रहालय कहाँ है, तो भारतीय नौसेना, है ना, भारतीय नौसेना समुद्री संग्रहालय कहाँ है, तो नौसेना समुद्री संग्रहालय कहाँ है, जल्दी बताइए, कोच्चि में है। और कोच्चि कहाँ है दोस्तों, केरल में है आपका, ठीक है, है ना जी। चलिए भाई साहब, अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली भारत में कैसी प्रणाली है दोस्तों, तो संसदीय शासन प्रणाली है, कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। संघीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो संघीय शासन प्रणाली कनाडा से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर, है ना, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। किसकी सलाह पर किया जाता है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। देखिए, अनुच्छेद नंबर 53 कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, तो 52 में है दोस्तों राष्ट्रपति का पद, कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। 53 में क्या है दोस्तों, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है, याद रखिएगा। 74 के 1 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है अपने कृतियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है आपका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, 3 प्रकार के जो आपातकाल हैं, ये भी राष्ट्रपति ही लागू करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, आपको पता होगा 352, 356 और 360 आपका, ठीक है जी। ये तो इसका आंसर हो गया आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर। सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, इसका पीडीएफ जो नंबर दिया गया है यहाँ पर आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा, मात्र 499 दोस्तों इसमें चार्ज है आपको, उसके बाद ही आपको मिल पाएगा। जितने भी पिछले क्लास हुए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, आगे जो क्लास हुआ है वो मिल जाएगा, सारे नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे एकदम, है ना, जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इस प्रकार के सवाल आपके जरूर पूछे जाएंगे। देखिए, अलीपुर बम कांड में जो शामिल थे दोस्तों, वो श्री अरविंद घोष शामिल था, कौन, श्री अरविंद घोष, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर, अरविंद घोष आपका, ठीक है जी। अलीपुर षड्यंत्र को दोस्तों मनिकटोला बम षड्यंत्र भी कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, मनिकटोला षड्यंत्र इसको भी नाम से जाना जाता है। और ये हुआ था आपका अलीपुर षड्यंत्र का संबंध जो है दोस्तों 1908 में ये आपका संबंधित है आपका, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, एक पूछा जाता है दोस्तों काकोरी कांड, काकोरी डकैती जो हुआ था आपका, ट्रेन डकैती जिसको कहते हैं, 1925 ईस्वी में हुआ था आपका काकोरी कांड। काकोरी में कौन कौन थे दोस्तों, तो राम प्रसाद मिश्रमिल, चंद्रशेखर आजाद थे काकोरी से संबंधित। और वही चंद्रशेखर आजाद जो दोस्तों अंग्रेजों से पकड़ में नहीं आए, और 1931 ईस्वी में अल्फ्रेड पार्क कहाँ है, इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में दोस्तों अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जब उनके पास एक गोली बची तो वो
खुद अपने आप को मार लिए थे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि हम अंग्रेज के हाथ में नहीं आएंगे चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, और लास्ट में दोस्तों खुद अपने गोली मार लिए थे 1931 ईस्वी में। वो अल्फ्रेड पार्क, ध्यान में रखिएगा, अंतिम गोली स्वयं उन्होंने मार लिया था। और दोस्तों भगत सिंह सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह और उनके साथी को फांसी पर चढ़ाया गया था आपको, ठीक है, सैंडर्स की हत्या के आरोप में। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 118 नंबर सवाल है। 118 नंबर सवाल है कि संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। लल्लन टॉप सवाल है, आना बहुत सारे लोग इसमें उलबुल आ जाएंगे दोस्तों। तो संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। 18 का आंसर हो जाएगा 39 के ये, अनुच्छेद 39 का ए हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 39 ए कहता है कि भारतीय संविधान में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था का उल्लेख है अनुच्छेद 39 के ये में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, और ये आता है दोस्तों नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत, ठीक है, नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत है। एक क्वेश्चन आता है अनुच्छेद 39 के डी। देखिए अनुच्छेद 39 में ना बहुत सारे चीजें हैं, ए बी सी डी करके आपका, तो अनुच्छेद 39 के डी में किस क्या चीज है, तो इसमें इसी में है दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन। जी हाँ, तो समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए इतनी जो लड़ाई करते हैं, तो ये अनुच्छेद तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 39 के डी में, है ना। कभी कभी दे देगा सिर्फ 39 तो आप मार लीजिएगा, है ना। अगर 39 ABCD नहीं दिया गया है, सिर्फ 39 दे दिया है, तो आप 39 मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो समान कार्य समान वेतन अनुच्छेद 39 के डी में, और ये आता है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व भाग कितने में है, तो भाग आपके 4 में है नीति निदेशक तत्व। कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड दोस्तों नीति निदेशक तत्व कहां से लिया था, तो स्पेन से लिया था, है ना, आयरलैंड स्पेन से लिया, और हम लोग आयरलैंड से लिए, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है आपका, इसका वर्णन, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। देखिए बताने लगे तो और भी बहुत सारा सवाल बीच बीच में आ जाता है, लेकिन पूरा भी करना है इसको, है कि नहीं। प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में क्या हो रहा है दोस्तों, वृद्धि हो रहा है। मूल्य में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो इसी को तो कहेंगे मुद्रास्फीति। मूल्य में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि हो रही है। 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, तो क्या हो रहा है, निरंतर वृद्धि हो रहा है, इसी को तो कहेंगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या है, तो मुद्रास्फीति वह स्थिति है, मुद्रास्फीति क्या है, तो वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य घट जाता है। अब मुद्रा का मूल्य घट गया तब तो दोस्तों महंगा चीज हो गया, है ना, महंगा हो गया, आपके पास पैसा ज्यादा है, आप ज्यादा पैसा दीजिएगा तभी आपको कुछ सामान मिलेगा, यानी कि सामान का भाव बढ़ जाएगा, ठीक है। मुद्रास्फीति का प्रभाव किसको किसको पड़ता है, ये चीज आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा मुद्रास्फीति से, एक क्वेश्चन एग्जाम में मुद्रास्फीति से। देखिए प्रभाव किसको पड़ेगा, तो उत्पादक जो वर्ग होंगे ना, इसको लाभ होगा। अब देखिए उत्पादक कौन होगा, तो जैसे कृषक, किसान क्या करते हैं, उत्पाद करते हैं, है ना, उत्पादन करते हैं। उद्योगपति क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। व्यापारी क्या करते हैं, उत्पादन। तो कृषक, उद्योगपति और व्यापारी को लाभ होता है मुद्रास्फीति से, ठीक है। और हानि किसको होगा, तो ऋणी को दोस्तों, ऋणदाता को हानि होता है इसमें, ठीक है, और ऋणी को लाभ होता है, लेकिन ऋण जो देता है उसको हानि होता है, और ऋणदाता को क्या होता है, ऋणी को क्या होता है, इसमें लाभ होता है, ऋणदाता को हानि होता है। यह भी आपको पूछा गया प्रश्न है, ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 20 नंबर। प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना में एक बाधा है जिसको कहा जाता है असंगठित क्षेत्र को, है ना, असंगठित क्षेत्र को इसमें बाधा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, आपका बिल्कुल सही जवाब, है ना। प्रति व्यक्ति आय का गणना कौन करता है, तो NSO, है ना, NSO जो है ये प्रति व्यक्ति आय का गणना करता है, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है 21 नंबर। प्रश्न है कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है।
भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए जो शिखर स्तर का बैंक है, यानी कि जो सबसे उच्च स्तर का बैंक है, वो बैंक है आपका नाबार्ड। वो बैंक कौन सा है दोस्तों? नाबार्ड बैंक। आप नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे, NABARD। तो चलिए इसका हम लोग ऑपरेशन करें, नाबार्ड का, है ना। नाबार्ड का होता है दोस्तों आपका क्या, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो ये शिखर स्तर का बैंक है दोस्तों, कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने वाला। इसकी स्थापना आपको कई बार पूछा गया है, तो 12 जुलाई, है ना, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है आपकी, ठीक है। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो मुख्यालय है इसका मुंबई में। कहाँ मुख्यालय है? तो इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए जी, अगला सवाल देखते हैं कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है। अब देखिए, मराठा राज्य, है ना, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक, देखिए दूसरा प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे बालाजी विश्वनाथ, है ना, बालाजी विश्वनाथ थे दूसरे प्रवर्तक। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, बालाजी विश्वनाथ। और ये थे 1713 से लेकर के, है ना, 1713 से लेकर के 20 ईस्वी तक आपका ये थे आपका दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखे, अगला प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई, चलिए पानीपत की दूसरी लड़ाई देख लेते हैं, तीनों लड़ाई हम देख लेंगे यहाँ पर, है ना, पानीपत की तीनों लड़ाई को देख लेते हैं। तो दूसरी लड़ाई बताना है कि किसके बीच लड़ा गया था। दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो 1556 ईस्वी में हुई थी, दूसरी लड़ाई आपका 1556 में हुई थी दूसरी लड़ाई, 5 नवंबर 1556, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, है ना, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अगर पूछे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में हुई थी, 1761 में हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो मराठा, है ना, मराठा और किसके बीच दोस्तों? तो अफगान के बीच हुआ था, ठीक है, मराठा और अफगान के बीच हुआ था पानीपत की तीसरी युद्ध, जिसमें दोस्तों हार किसकी हुई थी? तो मराठा की हार हुई थी और अफगान का जीत हुआ था इसमें तृतीय में। अगर पूछे कि दूसरी जो हुई थी 1556 में, इसमें किसकी जीत हुई? तो अकबर की जीत हुई और हेमू की हार हुई। हेमू कौन था भाई साहब, बताइएगा, हेमू कौन था? तो ला अंतिम हिंदू शासक था आपका हेमू, ये भी आपको पूछा जाता है आपका, है ना। अकबर इस युद्ध में क्या रहा था? तो विजयी रहा था, ठीक है। चलिए, दिल्ली पर शासन करने वाला दोस्तों अंतिम हिंदू शासक वो आपका हेमू ही था आपका, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न चलते, अच्छा पहला युद्ध कब हुआ था दोस्तों? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो 1526 में हुआ था ना, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें विजयी कौन होता है? तो बाबर इसमें विजयी होता है। और बाबर विजयी होता है दोस्तों, और कौन से वंश की स्थापना करता है? तो मुगल वंश का स्थापना करता है बाबर आपका दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपका मुगल वंश, तीनों युद्ध आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, कह रहा है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। देखिए, पत्रकार का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जो प्रथम भारतीय जेल गए थे, वो थे आपके दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक आपके, ठीक है, है ना, याद रखिएगा। और ये 4 महीने के लिए जेल गए थे, कब गए थे? तो 1882 ईस्वी में इनको जेल में डाल दिया गया था, है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बाल गंगाधर जो तिलक थे दोस्तों, ये 2 समाचार पत्र प्रणाम किए थे, कौन कौन? तो एक था मराठा, है ना, एक था मराठा और एक था आपका केसरी, ठीक है। तो मराठा और केसरी का इन्होंने शुरुआत किए थे बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। मराठा जो समाचार पत्र था दोस्तों, ये था आपका अंग्रेजी में, है ना, मराठा जो था दोस्तों, ये था आपका अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में। और आपका जो केसरी था दोस्तों, ये था आपका मराठी में, है ना। केसरी किस में था? तो ये था आपका मराठी में था आपका। ये सवाल आपको पूछा जाता है कि कौन से भाषा में है केसरी? मराठी में। और मराठा जो था आपका दोस्तों, इंग्लिश में था आपका, ठीक है, याद में हो गया आपका। चलिए देखिए, एक सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक जो थे, वो राजनीतिक कारण से भी जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे आपका, है ना। तो राजनीतिक कारण से जेल जाने वाले भी प्रथम यही थे, बाल गंगाधर तिलक ही थे आपका, याद रखिएगा। और लाल बाल पाल जो थे आपका, बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल के नेता थे, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 25 नंबर,
प्रश्न है कि बरिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, बरिंदर कुमार घोष, और वो कौन सा दोस्तों क्रांतिकारी संगठन था? तो उसका क्रांतिकारी संगठन का नाम था अनुशीलन समिति, है ना। अनुशीलन समिति को मतलब किसने दोस्तों स्थापना किया, तो बरिंद्र कुमार घोष और एक व्यक्ति और थे, है ना, बरिंद्र कुमार घोष भी थे, एक और थे भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। तो बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अनुशीलन समिति के द्वारा युगांतर क्रांतिकारी समाचार पत्र निकाला गया था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और दोस्तों ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में किया गया था। अभिनव भारत की स्थापना कब हुआ था बताइए, तो अभिनव भारत पूछा जाता है एग्जाम में, अभिनव भारत की स्थापना होती है 1904 में, किसके द्वारा, तो बी डी सावरकर के द्वारा आपका, है ना, वीर सावरकर के द्वारा। अगला है आपका 26 नंबर सवाल कि कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है। बालक बालिका का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर लिंगानुपात जो है वो कौन सा संघ राज्य क्षेत्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेश जहां पर लिंगानुपात सबसे कम है, निचले हिस्से पर है, तो संघ राज्य में दोस्तों सबसे निचले पर है दोस्तों वो है आपका दमन, वो हो जाएगा आपका दमन और दीव, है ना, वो हो जाएगा आपका दमन और दीव। देखिए दमन और दीव और दादरा नगर हवेली अब एक हो गया है, है ना, अब दमन और दीव और इसी में जोड़ दिया गया है दादरा और नगर हवेली दोस्तों, अब दोनों क्या हो गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। टोटल केंद्र शासित प्रदेश की वर्तमान में संख्या कितनी है, तो 8 है, याद रखिएगा आपको, ठीक है, टोटल कितना है, 8 है आपको वर्तमान में, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है दोस्तों, तो सबसे अधिक लिंगानुपात हो जाएगा आपका केरल में 1084 आपका, है ना, एक ही राज्य है जहां पर 1000 से ज्यादा दोस्तों लिंगानुपात है, 1084 है आपका केरल का आपका, है ना, चलिए जी। और सबसे कम किसका है, तो हरियाणा का है 879, है ना, हरियाणा का कितना है 879, 879 है हरियाणा का सबसे कम राज्य में, ठीक है। और केंद्र शासित में सबसे कम दमन और दीव का, केंद्र शासित में सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, तो पुद्दुचेरी का। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 27 नंबर, 27 है कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। देखिए स्वतः कृषि मिट्टी जो कहते हैं क्यों कहते हैं, कारण क्या है, स्वतः कृषि मिट्टी का मतलब ये ऐसा मिट्टी होगा ना दोस्तों जो दोस्तों खुद मतलब जुताई वाला मिट्टी कहा जाता है, स्वतः कृषि मतलब जुताई होना, है ना, खुद से ही जुताई हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो ये मिट्टी है बहुत बड़े बड़े दरार इसमें पड़ जाते हैं, इतने बड़े बड़े दरार कि आपके पैर इसमें चले जाएंगे अंदर दोस्तों, है ना, तो ये मिट्टी है आपको काली मिट्टी, है ना, काली मिट्टी को ही कपास की काली मिट्टी कहते हैं, इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, चेर्नोजोम मिट्टी भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा आपको, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। काली मिट्टी क्यों होती है, तो ये बेसाल्ट चट्टान से बनता है, बेसाल्ट लावा से बनता है टूटने फूटने से, है ना, इसीलिए ये काली होता है और ये कपास उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध होता है आपका दोस्तों, ठीक है। चलिए काली मिट्टी में दोस्तों सिलिका और आयरन की बहुलता होती है, नहीं काली मिट्टी में नहीं, वो इसको हटा देना, सिलिका बहुलता नहीं होती है, ये आपको इसमें डिलीट कर देना है। चलिए आगे देखते हैं, सिलिका और आयरन की जो बहुलता होती है वो होती है दोस्तों आपका कौन सी मिट्टी में ज्यादा होती है, तो लाल मिट्टी में, है ना, लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन ज्यादा होता है आपका, ठीक है, है ना, जैसे लाल मिट्टी में आयरन जो लाल क्यों दिखता है, तो आयरन अधिक होता है इसके वजह से लाल ज्यादा वो दिखता है आपका, ठीक है, तो वो लाल मिट्टी का आपका है आपका। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चिपको आंदोलन, चिपको, है ना, चिपको, तो किसमें चिपको, तो पेड़ में चिपको, किसमें चिपको दोस्तों, पेड़ में चिपको, यानी कि वृक्ष में चिपको, तो यही था चिपको आंदोलन, पेड़ में चिपक जाते थे, है ना, यानी कि वन कटाई से संबंधित है दोस्तों, है ना, देखिए वन कटाई से संबंधित है ये चिपको आंदोलन, और यहाँ से सवाल आपको पूछा जाएगा, आपके सिलेबस से ही है, एक भी सवाल बाहर से नहीं है, जितने प्रश्न है ना एनसीईआरटी एससीईआरटी उठा लीजिए आपको मिल जाएगा, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, छठा में, सातवां में, आठवां में, नौवां में, दसवां में, सब जगह से उठा लिए हैं, है ना, कहीं से भी आपको एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, और जितना मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है आपका, ठीक है। तो ये देखो चिपको जो आंदोलन हुआ था आपका 1973 में हुआ था, कब हुआ था, 1973 में हुआ था आपको
चिपको आंदोलन, इसके प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी। कौन थे? सुंदरलाल, नाम कितना अच्छा है, सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे, याद रखिएगा, है ना। और देखिए ये रेड डाटा का संबंध किससे है, तो पर्यावरण से है रेड डाटा का संबंध, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब ये हुआ कहाँ था दोस्तों, तो उत्तराखंड में हुआ था, ये भी पूछा जाता है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद कितने के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा, तो बहुत सारा सवाल हम यहाँ पर आपको क्लियर कर देंगे अभी। संघ की, हिंदी को संघ की राजभाषा जो दिया गया था दोस्तों, ये अनुच्छेद 343 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित जो किया गया है, ये अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 343 तो आपको पता हो गया हिंदी दोस्तों, है ना, और इसमें हिंदी और लिपि हमारा क्या होगा, तो इसमें लिपि देवनागरी होगा हमारा हिंदी का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, है ना, उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट में दोस्तों जो भाषा से संबंधित जो प्रावधान है, ये अनुच्छेद कितने में है, तो 348 में है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में दोस्तों भाषा से संबंधित जो प्रावधान है, अनुच्छेद 348 में है। अगर आपसे पूछे कि ये तो संघ की राजभाषा अभी देखे 343 में है, अगर पूछे कि राज्य के भाषा के संबंध का उपबंध किस में है, है ना, तो राज्य के भाषा का उपबंध जो किया गया है, ये अनुच्छेद कितने में है बताइए, तो 345 किस में है, 345 में, अगर राज्य वाला पूछे। अगर संघ वाला पूछे तो गलत मत करिएगा, है ना, यहाँ पर दे देगा अगर राज्य, क्योंकि कन्फ्यूज आपको लो हो जाइएगा। तो हिंदू को राज्य की राजभाषा घोषित किया गया था अनुच्छेद 345 के अंतर्गत और संघ की राजभाषा 343 के अंतर्गत, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारे चीज आपको पूछे जाते हैं। एक सवाल और हमको जरा बता दीजिए कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की जो उपलब्धता शुरू की गई है, ये अनुच्छेद कितने में है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है, ये अनुच्छेद कितने में है, तो 350 के क में है इसका वर्णन। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा जो है दोस्तों, ये अनुच्छेद कितने में है, तो 350 के क में है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 31 नंबर कि लोकसभा के अध्यक्ष जो है दोस्तों, ये आपका त्यागपत्र किसको देगा। तो बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन आसान तो है, इससे संबंधित मैं बहुत सारा चीज बताने वाला हूँ। देखिए लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, अपना त्यागपत्र देंगे किसको, तो उपाध्यक्ष को। किसको देंगे? उपाध्यक्ष को देंगे। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो अध्यक्ष को देंगे। दोनों अदला बदली अपना कर लेंगे, ठीक है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं त्यागपत्र, उसी प्रकार से आपका, ठीक है। चलिए ये जो वर्णन किया गया दोस्तों त्यागपत्र देने वाली बात, लोकसभा जो देंगे उपाध्यक्ष को, ये अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 94 में इसका वर्णन किया गया, 94 में, है ना, अनुच्छेद 94 में इसका वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है दोस्तों आपका 31 नंबर की प्रसिद्ध कवि विल्हन, है ना, प्रसिद्ध कवि जो विल्हन है, ये किसका राज दरबारी कवि था। देखिए विल्हन जो थे दोस्तों, ये राज विल्हन किसके राज मतलब दरबारी कवि थे, तो ये हो जाएगा विक्रमादित्य 6 के आपके, है ना, विक्रमादित्य के दोस्तों आपके विल्हन थे, है ना, तो याद रखिएगा विल्हन जो हो जाएगा विक्रमादित्य 6, है ना, विक्रमादित्य 6 के दोस्तों ये आपके राज कवि थे, राज दरबारी कवि थे, है ना, उनके दरबार में ये रहते थे विल्हन, ठीक है, याद रखिएगा। और इससे संबंधित कुछ और सवाल है, जैसे कि विज्ञानेश्वर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विज्ञानेश्वर ने दोस्तों मिताक्षरा नामक महान ग्रंथ की रचना की थी, है ना, विज्ञानेश्वर जो एक ग्रंथ की रचना की थी वो था मिताक्षरा आपका। चलिए अगला प्रश्न है गीत गोविंद, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद के लेखक है आपके जयदेव गीत गोविंद, ठीक है। देखिए जयदेव जो ये गीत गोविंद लिखा गया दोस्तों, इसमें किसका चित्रण किया गया है, तो गीत गोविंद में जो चित्रण किया गया है, ये राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग का, है ना, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग का चित्रण किया गया है दोस्तों आपके गीत गोविंद में, ध्यान में रखना है, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग का चित्रण किया गया है, ये आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है कि उनके संगठन के आधार पर क्रम में रखते हुए आपको सजाना है दोस्तों, बताइए
संगठन के आधार पर दोस्तों क्रम में आपको रखना है। बताइए ये बॉम्बे यहां पर काट दीजिए, बताइए बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। अब देखिए इसकी स्थापना कब कब हुई थी उस अनुसार से आपको सजाना है। मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि बॉम्बे एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना होती है आपको 1852 ईस्वी में स्थापना होती है बॉम्बे एसोसिएशन की। किसने स्थापना किया था तो नवरोजी ने, किसने किया था, नवरोजी दादा भाई नवरोजी के द्वारा यह स्थापना किया गया था। अगला है मद्रास महाजन सभा। देखिए मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है 1884 ईस्वी में, ठीक है 1884 में होती है मद्रास महाजन सभा की। और इसकी स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो राघवाचारी ने, किसने किया था, राघवा चारी के द्वारा किया गया था, नोट करना है। अगला जो है इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1876 ईस्वी में। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बनर्जी, एस एन बनर्जी, ठीक है एस एन बनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और आनंद मोहन बोस भी थे इसमें साथ में, है ना। और इंडियन लीग की स्थापना कब होती है, तो इंडियन लीग की स्थापना होती है 1875 ईस्वी में। और इंडियन लीग की स्थापना किसने किया था, तो शिशिर मोहन, है ना, शिशिर कुमार घोष, ठीक है शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था आपका, ठीक है। तो ये कितने इंपॉर्टेंट सवाल है आपको पता होना चाहिए, इसको क्रम में आपको सजाना। इस प्रकार के सवाल आपको पूछेगा और 100% पूछेगा तो आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका बॉम्बे वाला, यानी कि सबसे आएगा एक नंबर, उसके बाद आ जाएगा आपका 1852 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 75 यानी कि आ जाएगा इंडियन लीग, यानी कि चार नंबर, तो 1432 है ना, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 33 का ए नंबर आपका, ठीक है। ये आपको यहां पर टिक कर लेना है, ये चीज आपको याद में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है और किसने स्थापना किया था। अगला है कि 1937 की बात है, बात है आपका 1937 ईस्वी के प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी। देखिए 1937 में जो चुनाव हुआ है ना, 1935 के अधिनियम के आधार पर 1937 के प्रांतीय असेंबलियों में चुनाव में कांग्रेस ने दोस्तों भाग लिया और इसमें 5 प्रांत को ये जीत लिया है ना, टोटल 5 प्रांतों में दोस्तों इसकी जीत हासिल हुई थी। और ये प्रांत कौन कौन थे, तो ये संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मद्रास, ये 5ों का नाम याद रखिएगा, आपको छाटने के लिए देगा। तो संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मद्रास, इसमें 5 प्रांत थे, याद में आपको रखना पड़ेगा। अगला सवाल चलते हैं, सवाल नंबर है दोस्तों आपका 35 नंबर। प्रश्न है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बताइए कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों, बताइएगा। देखिए बांग्लादेश में इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, इधर से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। मैं थोड़ा सा इसको बना देता हूँ आपका भारत का मानचित्र। देखिए इधर से आती है दोस्तों, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आपकी निकलती है। ब्रह्मपुत्र को सबसे पहले दोस्तों तिब्बत में, है ना, ये वाला जो क्षेत्र है ये तिब्बत है, तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं तिब्बत में इसको, सांगपो कहा जाता है। तिब्बत से चला दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में आपका प्रवेश किया, अरुणाचल प्रदेश में इसको नाम दिया गया दिहांग। क्या नाम दिया गया अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग, ठीक है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ेगी तो यहाँ आएगा असम, असम में इसको नाम दिया गया ब्रह्मपुत्र, है ना, असम में इसको नाम दिया गया ब्रह्मपुत्र। और असम से जैसे ही बंगाल में आपका प्रवेश करेगा तो बंगाल में इसको कहेंगे जमुना, बंगाल में क्या कहेंगे, जमुना। और इधर से कौन नदी जा रही थी, इधर से जा रही थी आपको गंगा नदी, है ना, इधर से जा रही थी गंगा नदी। और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो पद्मा, गंगा नदी को क्या कहते हैं, पद्मा। और जैसे ही अब ये आपका ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगा तो ये दोनों के संयुक्त धारा को कहेंगे मेघना, क्या कहेंगे, मेघना कहेंगे। तो वही आपको सवाल यहां पर पूछ रहा था कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं आपको जमुना के नाम से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। तो मैं सारा चीज आपको यहां पर क्लियर कर दिया हूं। अब एक चीज आपको हमको और बताना है, आपको बताना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है कहां से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, योमा डुंग डुंग, है ना, योमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, याद रखिएगा आपका, है ना, ये आपका आपका सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन नहीं दोस्तों, आपका मानसरोवर झील के बगल में ही है आपका, ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ये आपका तिब्बत में पड़ता है आपका, ठीक है, है ना। चलिए जी, तो चेमा युंगडुंग करते रहिए। अगला प्रश्न हम चलते हैं 36 नंबर। 36 नंबर सवाल है कि निम्न कथनों का गौर करिए। अब देखिए कथन यहाँ पर दिया गया है कि बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। बिहार भारत के क्षेत्रफल का 2.86% योगदान करता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत में 12वें नंबर पर, ये भी आपका बिल्कुल सही है बात बा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1, 2 और 3 तीनों आपका सही है। अब देखिए यहाँ पर तो तीनों आपको सही दे दिया है, अब आप हमको बता दीजिए है ना, क्या बताइएगा कि बिहार में दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन, सॉरी जिला कौन सा है। बिहार में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा शिवहर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न है 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में पश्चिम चंपारण, अभी बताएं, बिल्कुल सही बात है, कथन तो ये आपका ठीक है। कारण कह रहा है कि बिहार में सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में आपका शिवहर है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए दोनों बात सही है ना, ये भी सही हो गया आर भी सही हो गया आपका है ना, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, शिवहर जो है ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। अगर देखिए क्षेत्रफल तो जल्दी इसे नहीं पूछेगा कितना है, लेकिन अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, हम बता देंगे 5228 किलोमीटर वर्ग दोस्तों ये पश्चिमी चंपारण का क्षेत्रफल है, और शिवहर का जो क्षेत्रफल है वो शिवहर का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो मात्र 349 वर्ग किलोमीटर है आपका, ठीक है। तो सबसे जिला छोटा में शिवहर है और सबसे बड़ा हमारा पश्चिमी चंपारण है, लेकिन अभी सवाल यहां खत्म नहीं हुआ है, हमको बताना है बहुत सारा चीज आपको, क्या बताएंगे तो अब आप हमको बताइए कि क्षेत्रफल में तीन बड़ा जिला, क्षेत्रफल में तीन बड़ा जिला, तो पहला हो गया आपका वेस्ट चंपारण है ना, WC वेस्ट चंपारण, दूसरे नंबर पर आ जाएगा दोस्तों आपका गया, दूसरा नंबर गया, और तीसरा नंबर पे आ जाएगा दोस्तों आपका पूर्वी चंपारण यानी कि ईस्ट चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण यानी कि ईस्ट चंपारण दोस्तों, ठीक है, ईस्ट चंपारण आ जाएगा, यानी कि वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण और बीच में गया, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में वेस्ट चंपारण, उसके बाद गया और उसके बाद ईस्ट चंपारण, कम से कम तीन जिला आपको याद रखना है। अगला जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि न्यूनतम में आपको बताना है ना, सबसे छोटका जिला कौन बा, तो सबसे छोटका दोस्तों शिवहर, अभी ने बताए थे सबसे छोटका बचवा शिवहर है आपका है ना, शिव कुमार जो है सबसे छोटा बच्चा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर छोटका कौन है दोस्तों, तो सबसे छोटका शिवहर, उसके बाद आएगा शेखपुरा है ना, उसके बाद कौन आएगा, शेखपुरा आएगा, और तीसरा नंबर पर छोटका कौन आ जाएगा, लखीसराय है ना, तो लखीसराय, ये तीनों जो है दोस्तों सबसे छोटा शिवहर, उसके बाद शेखपुरा, उसके बाद लखीसराय है ना, उसके बाद लखीसराय, ठीक है, आपका लखीसराय हो जाएगा। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटका और बड़का में था पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी और चीज बताना है ना, आपको छोड़ना नहीं है जब तक रिजल्ट ना हो जाए, ठीक है जी। चलिए अब आप हमको बताइए कि बिहार में है ना, बिहार में दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में कितने नंबर पर है, क्षेत्रफल में तो आप बता दिए 12वां नंबर पर है, अब बताइए कि जनसंख्या में कितने नंबर पर है बिहार में दोस्तों, तो जनसंख्या में बिहार है आपके तीसरे नंबर पर, ठीक है, जनसंख्या में कितने नंबर पर है तीसरा, पहला किसका है यूपी और दूसरा महाराष्ट्र का है ना, दूसरा है आपका महाराष्ट्र का और तीसरा है अपना बिहार का और चौथा है आपका पश्चिम बंगाल का, ठीक है जी। चलिए भाई साहब अब हम चलते हैं कुछ आगे, अब आप हमको बताइए कि बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, तो जनसंख्या में है ना, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखिए जिनको भागना है भाग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है हमको है ना, हमको पढ़ाना काम है, और जिनको पढ़ना है अगर मन से सही में रिजल्ट लेना है तो वो पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो जितना आपको बता रहे हैं याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। तो सबसे जनसंख्या में बड़ा है आपका पटना, सबसे बड़ा कौन है जनसंख्या में, अपना पटना, और दूसरा किसका नंबर आता है, तो दूसरा आता है दोस्तों पूर्वी चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण हो गया आपका दूसरा, ठीक है, पूर्वी चंपारण हो गया दूसरा, तीसरा नंबर पे आता है आपका मुजफ्फरपुर है ना, क्षेत्र जनसंख्या में बता रहे हैं याद रखिएगा, तीसरा नंबर पे आता है मुजफ्फर है ना, मुजफ्फर आपका पूरा आ जाएगा ये तीसरा नंबर पे आपका, चौथा नंबर पे आएगा मधुबनी और पांचवा आ जाएगा गया। तो कम से कम तीन तो आपको याद रखना है, पटना सबसे ज्यादा जनसंख्या है, दूसरा पूर्वी चंपारण और तीसरा आपका मुजफ्फरपुर और चौथा मधुबनी और पांचवा गया। ये तो था जनसंख्या में सबसे ज्यादा वाला, अब आपको हमको बताना है कि जनसंख्या में सबसे छोटा वाला, तो जनसंख्या में सबसे कम वाला यानी कि छोटा वाला जो हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा तो शिवहर है ना, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा, क्षेत्रफल में शिवहर, ठीक है, दूसरा नंबर पे शिवहर, क्षेत्र जनसंख्या में दूसरा शिवहर दोस्तों, और तीसरा किसका, अरवल का, तीसरा अरवल और चौथा लखीसराय और पांचवा जहानाबाद, ठीक है, तीसरा लखीसराय, ठीक है, याद रखिएगा
तीसरा हो गया अरवल, पहला शेखपुरा, दूसरा शिवहर, तीसरा अरवल, चौथा लखीसराय और पांचवा जहानाबाद। दोस्तों ये हो गया छोटा आपको जनसंख्या में। तो कितने सारे सवाल मैं आपको यहाँ पर बता दिया, याद रखिएगा यहाँ से एक आध सवाल आपको जरूर से जरूर लड़ेगा एकदम लड़ा देना है। अगला है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कैसा है। तो बहुत सारा सवाल हम आपको यहाँ पर बता देंगे कि बिहार में सीमांत जो कृषि भूमि जोत का आकार है दोस्तों ये एक हेक्टेयर से कम है। कितना है जी? एक हेक्टेयर से कम। पहले आंसर देख लीजिए, डी नंबर इसका आंसर हो गया, एक हेक्टेयर से कम इसका आपको है आपका, है ना। अब क्या देखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये तो था आपका सीमांत कृषि भूमि का जोत, है ना। तो सीमांत कृषि भूमि का जोत है एक हेक्टेयर से कम। अगर आपसे पूछे कि छोटी जोत, है ना, अगर आपसे पूछे कि भारत में तो भारत में जो दोस्तों जो छोटी जोत है ना इसका आकार कितना होगा, तो एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर के बीच में। अगर पूछे कि अर्ध मध्यम जोत कितना है, तो दो से चार हेक्टेयर। मध्यम अगर पूछे तो चार से दस हेक्टेयर। और बड़ी जोत अगर पूछ लिया जाए तो दस हेक्टेयर से अधिक ये जोत का आकार आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर कि बारदोछम कहाँ का लोक नृत्य है। बताइए दोस्तों बारदोछम जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का आपका, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है बारदोछम, याद रखिएगा। अब अरुणाचल प्रदेश में एक दो और नृत्य है जैसे कि मयूर नृत्य, है ना। मयूर नृत्य आपको पूछा जा सकता है, मुखौटा, है ना, मुखौटा भी दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश का ही, याद रखिएगा। मयूर और मुखौटा ये दोनों आपका अरुणाचल प्रदेश का है आपका। छऊ पूछा जाता है दोस्तों कि छऊ कहाँ का है, एक है छाऊ, है ना, और एक है छऊ, है ना। तो छऊ और छाऊ दोनों, है ना, दोनों अलग अलग है दोस्तों, है ना। छऊ जो है छऊ कहाँ का है और छाऊ कहाँ का है, दोनों बंगाल का है। छऊ और छाऊ दोनों वेस्ट बंगाल का है, दोनों वेस्ट बंगाल का है छऊ और छाऊ। कर्मा भी वेस्ट बंगाल का है, याद रखिएगा। जात्रा भी वेस्ट बंगाल का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका, प्रश्न नंबर है 40। प्रश्न है कि भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन जियो, यह कथन किसका है दोस्तों, है ना। जबरदस्त कथन है कि भेड़ की तरह मतलब कि 100 साल जीने से बढ़िया है कि एक दिन शेर की तरह जियो और एकदम। तो ये कथन है आपका टीपू सुल्तान का। किसका कथन है? ये टीपू सुल्तान का कथन है दोस्तों कि भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जियो आपका, ठीक है, याद रखिएगा। टीपू सुल्तान दोस्तों मैसूर का राजा कब बनता है? तो टीपू सुल्तान मैसूर का राजा बनता है 1782 ईस्वी में, है ना। वही टीपू सुल्तान, है ना, जबरदस्त दोस्तों अंग्रेज का ये टक्कर दुश्मन था दोस्तों, है ना, एकदम पक्का दुश्मन था ये। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान को अपना सबसे बड़का दुश्मन कौन था, तो वो अंग्रेज था, सबसे बड़का दुश्मन अंग्रेज, ठीक है, याद रखिएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 ईस्वी में, और इसी समय लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है दोस्तों 1799 में, है ना। कहाँ होती है? तो श्रीरंगपट्टनम में, है ना, श्रीरंगपट्टनम में इसकी मृत्यु हो जाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था टीपू सुल्तान ने। किसने लगाया था? टीपू सुल्तान ने दोस्तों, और टीपू सुल्तान की तलवार बहुत ही प्रसिद्ध थी दोस्तों, है ना। अगला सवाल है आपका कि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का विषय क्या था? चलिए अब कुछ करंट अफेयर के सवाल देख लेते हैं। तो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का जो विषय था वो हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर दोस्तों आपका सी नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 42 नंबर। देखिए इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो ऊपर आपको नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मात्र 499 का इसमें चार्ज है आपको दोस्तों। ये बिल्कुल आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी से जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ से निकाला गया है, और यहाँ से बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एक भी सवाल आपको बाहर नहीं है। कुछ करंट अफेयर भी हम इसमें दे दिए हैं, और भी करंट अफेयर हम आप लोग को करवा देंगे, है ना। यहाँ पर हम अभी साथ में करवा देते हैं, है ना, अलग से हम कुछ कुछ करवा देंगे करंट अफेयर। और बिहार के बहुत सारे सवाल यहाँ पर हो रहा है, साइंस के करंट अफेयर, साइंस हो रहा है दोस्तों आपका, आर्ट्स हो रहा है, पर्यावरण हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है आपका, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सारा चीज़ यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना।
मेन रूप से आपका ये 1 to 5 के लिए है, लेकिन ये सभी के लिए है, आपका 1 से लेकर के 12 क्लास तक सभी बच्चे के लिए है। क्यों? क्योंकि दोस्तों समान अध्ययन तो सबको पूछा जाएगा, है ना, समान अध्ययन तो आपको ही पूछा जा सकता है, यहाँ से भी पूछ सकता है आपका, है ना, और कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन मेन रूप से ये 1 to 5 वाले के लिए है, जो आपका 120 नंबर का सवाल पूछेगा उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। जितना टेस्ट करवा दिए बस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है कि आजादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आजादी का अमृत महोत्सव तो और हिंदी की प्रगति यात्रा के जो लेखक हैं डॉक्टर मुनी राम सकलानी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, और इस जो पुस्तक है इसका दोस्तों मतलब विमोचन जो किया गया था वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा, पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर की, हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेन। देखिए क्वेश्चन पर ना थोड़ा सा गौर करना है आपको, शहरी ट्रेन पूछ रहा है, पहली ट्रेन नहीं पूछ रहा है, पहली ट्रेन किसी और देश में चला था और शहरी ट्रेन किसी और देश में चला है आपका, ठीक है। तो हाइड्रोजन से चलने वाली जो शहरी ट्रेन है वो चला है आपको चाइना में, है ना, शहरी ट्रेन जो चला है दोस्तों वो चाइना में लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, और एशिया का ये पहला है, है ना, एशिया का ये पहला है आपका, ठीक है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत कहाँ हुआ था, पहला देश कौन था, तो वो था जर्मनी, है ना, पहला देश कौन था दोस्तों, तो वो था आपका जर्मनी, जहां पर चलाया गया था आपको 2022 ईस्वी में, ठीक है, और ये 2023 में शहरी ट्रेन चलाया गया चाइना में, ठीक है जी। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर, कह रहा है कि जनवरी 2023 में सीएम आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। बताइए जनवरी 2023 में सीएम आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ जो हुआ है वो हुए हैं आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ है दोस्तों, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर कि किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड में, एक पूछा जाएगा कि ग्रैमी अवार्ड किस में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है आपका संगीत के क्षेत्र में, है ना, याद रखिएगा। तो ग्रैमी अवार्ड में सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रचा है दोस्तों वो कौन थे, उसका नाम है बेयोंसे। क्या नाम है? बेयोंसे नाम है दोस्तों, जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड में सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर के इतिहास रच दिया है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा, है ना, ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। अगला है कि फरवरी 2023 में किस छात्र को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में रखा गया है, और ये जो छात्र है दोस्तों ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, है ना, भारतीय मूल की अमेरिकी लड़की है, और इनका नाम है दोस्तों नतासा पेरियान यागम इनका नाम है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, और ये मात्र 13 साल की बच्ची है। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर कि वह कौन सी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है जिसके नाम पर रायबरेली में कोच फैक्ट्री स्टेडियम का नाम बदला गया है। जी हाँ, तो रायबरेली में दोस्तों कोच फैक्ट्री स्टेडियम का नाम बदला गया है, वो हॉकी महिला खिलाड़ी कौन है, तो उनका नाम है रानी रामपाल। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी नंबर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। बताइए भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 जो आयोजित हुआ है वो हुआ है ढाका बांग्लादेश में, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर दोस्तों, है ना, ढाका बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया है आपको, है ना, कब हुआ है, तो 2023 18 मार्च को, ठीक है, 18 मार्च 2023 को। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों पृथ्वी दिवस, प्रत्येक विश्व पृथ्वी दिवस आप नोट कर लीजिएगा, है ना, इसको विश्व पृथ्वी दिवस पूछा जाता है, तो ये 22 अप्रैल को हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपको 22 अप्रैल, है ना, 22 अप्रैल 1970 से, ठीक है, 1970 से दोस्तों ये विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका से इसकी शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है आज का 50 नंबर प्रश्न कि अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है। बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपेगा 100% ऑपरेशन कावेरी क्या है, है ना, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे इस नंबर पे, है ना, हमारा जो नंबर दिया गया है 7857 8243 10, है ना जी, और आपको इसमें
499 दोस्तों इसमें चार्ज है 499 का आपका, ठीक है 499 का इसमें चार्ज है और इसमें आपको जुड़ जाना है। इसी नंबर पे आपको फोन पे गूगल पे करना है, यही नंबर फोन पे गूगल पे भी है, पेटीएम भी है, और जो लोग भी पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के दोस्तों हमें इसी नंबर व्हाट्सएप पर आप हमको भेज दीजिएगा, वहाँ आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, पर्सनली आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे और आराम से आपको डेली वाइज डेली फिर मिलते रहेगा, कोई मंथली चार्ज नहीं है, एग्जाम तक आपकी तैयारी चलते रहेगी। देखिए तो ऑपरेशन कावेरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन कावेरी, ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेशन कावेरी जो चलाया गया था ये अप्रैल 2023 में चलाया गया था और ये सूडान में है ना, सूडान में जो भारतीय जो फंसे थे दोस्तों, सूडान में जो फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए दोस्तों ये बचाव कार्य अभियान चलाया गया था ऑपरेशन कावेरी के नाम से आपका। और ये घोषणा किया गया था किसके द्वारा, तो जो भारत के विदेश मंत्री थे डॉक्टर एस जयशंकर, है ना, भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा ये घोषणा किया गया था 23 अप्रैल 2023 को आपका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो ये रहा आज का टेस्ट, जबरदस्त टेस्ट, कैसा लगा दोस्तों, है ना, हमें तो अच्छा लगा, बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना है बस, सर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना है, डेली आपको तैयारी होती रहेगी और पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे इसी नंबर पर। आपको सिर्फ दोस्तों एक बार इस पे 499 का चार्ज लगेगा, उसके बाद आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ, वीडियो नोट्स, लाइव क्लासेज मिलते रहेंगे। पीछे जितनी हो गई है वो उसका वीडियो भी मिल जाएगा, उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, है ना, और डेली वाइज आपको मिलते रहेगा, पर्सनली सारे चीज आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो आज इतना रहने देते हैं और फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, रात में क्लास होगी आज रात में 9 बजे से, ठीक है। तो 9 बजे वाली क्लास आप में जुड़ना है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी जो सीरीज चल रहा है उसका आज होगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो आज हो गया टेस्ट नंबर आपका 41, ठीक है जी। चलिए तो आज इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।